सो वेलकम बैक टू द गाइस राइड विद किरण में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ जीजी के तरफ से 9 LED बल्ब जो काफी अच्छे फॉगलाइट है दोस्तों, जो हर एक राइडर को लगता है जरूरत फॉगलाइट की। तो ये कुछ बजट सेगमेंट में फॉगलाइट है, ठीक है, आप देख सकते हो जीजी की तरफ से 9 LED बल्ब। सो दोस्तों ये जो है ये 9 LED बल्ब आते हैं। तो दोस्तों इसके पहले मैंने LED 4x4 क्री की भी मैंने अनबॉक्सिंग की है, वो आप जाके चेक कर सकते हो, आई बटन में लिंक आ रही है। मिनी ड्राइविंग लाइट की भी अनबॉक्सिंग की है, उसकी भी आप अनबॉक्सिंग जाके चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, इधर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था जीजी की तरफ से 9 LED जो काफ़ी अच्छा इसका थ्रो है दोस्तों, लास्ट तक वहीं रहेगा दोस्तों। मैं इसका थ्रो भी दिखाऊंगा कि किस तरह इसका थ्रो आता है। तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करने पर आपको बताना चाहूंगा कि जीजी काफ़ी अच्छे पॉपुलर ब्रांड में आता है दोस्तों, काफ़ी इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों इसकी 9 LED बल्ब की। इसी सेगमेंट में और भी बल्ब आते हैं दोस्तों। अभी ये जो था ये मैं बहुत स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहा हूँ, पहले मैंने इसे यूज़ किया, काफ़ी इसका अच्छा थ्रो है दोस्तों, क्योंकि इसमें इसका नाम 9 LED की, क्योंकि इसमें 9 LED बल्ब है इसलिए इसका नाम 9 LED दिया गया है दोस्तों। काफी अच्छा इसका फोकस है दोस्तों, तो मैं आपको इसका फोकस दिखाऊंगा, तो इस तरह लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद अगर आप इसे यूज करते हो तो इसके बाद हार्नेस यूज करना भी जरूरी है, जो हर एक राइडर को मैं कंपलसरी करना चाहूंगा कि आप यूज करते हो तो आप हार्नेस भी यूज करो, क्योंकि काफी हार्नेस की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपको बैटरी पर लोड नहीं पड़ेगा हार्नेस होने से कारण से, और भी कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ चीजें होंगी तो वो आपके साथ नहीं होंगी। बाय द वे आप नहीं भी यूज करते हार्नेस और कभी बाहर गए तो शॉर्ट सर्किट के कारण बारिश में काफी दिक्कत होती है, तो उससे कुछ गाड़ी में इशू हो सकता है। दोस्तों एक 1000 से 1500 के बीच हार्नेस आती है, तो वो भी आप जरूर बाय कीजिएगा दोस्तों, उसकी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने चैनल पर डाली, वो भी आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आइए शुरू करते हैं HJG 9 LED बल्ब की अनबॉक्सिंग। सो दोस्तों ये रहे HJG फॉगलाइट 9 LED बल्ब, जिसकी आप सबको मैंने दिखाया कि मेरे पास मैंने दो पेयर बाय किए थे। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। सामने की ओर दिया है HJG की ब्रांडिंग दी गई है, इसमें स्पार्क का ये दिया गया है, ब्राइटनेस जो 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 इसकी है वो 4000 लूमेंस है दोस्तों, वोल्टेज जो है DC 12V 35 वोल्टेज है, और दोस्तों लाइफ है इसके 3000 आवर्स है, पावर 30 वाट है एक ईच LED की, मतलब 30-30-60 वाट हो गए दोस्तों। राइट हैंड साइड में HJG की ब्रांडिंग दी गई है और एक स्पेसिफिकेशन बताया गया है जो मैंने आपके पढ़ के दिखाया है, उसी जगह सेम स्पेसिफिकेशन बताया जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो दोस्तों। नीचे के साइड में मोटरसाइकिल हेडलाइट इस तरह का लाइट आता है वो बताया गया है, ऊपर HJG की ब्रांडिंग दी गई है दोस्तों। इसे ओपन करते हैं, जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो सामने को हमें दिखता है 9 LED बल्ब जो देख सकते हो दोस्तों, एक आता है 9 LED बल्ब और दोस्तों कुछ इसमें और भी माउंट्स प्रोवाइड किए गए जो देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों इसे हम साइड में करते हैं बॉक्स को, इसमें भी सेम चीज़ें प्रोवाइड किए गए दोस्तों देख सकते हो, तो इसे थोड़ा साइड में करते हैं और आते हैं मेन यूनिट की तरफ LED। तो दोस्तों 9 LED देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 LED की वजह से इसका नाम 9 LED पड़ा दोस्तों। LED जी, यहाँ पे देख सकते हैं HJG की ब्रांडिंग दी गई है, रजिस्टर प्रोडक्ट है दोस्तों। लेफ्ट साइड में विंड्स दिए गए, पीछे साइड में भी विंड्स प्रोवाइड किए गए हीट डिफ्यूजन होने के लिए, और दोस्तों केबल भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई है। और दोस्तों इसमें तीन टाइप की केबल है, तीन केबल इसलिए क्योंकि इसमें फ्लैशिंग वाला मोड भी प्रोवाइड किया गया है, जो अगर आप इसका स्विच अगर लेते हो 3 मोड वाला तो इसमें फ्लैश का ऑप्शन भी बताया गया है दोस्तों। हो सके तो मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने का फ्लैशिंग मोड कि किस तरह ये फ्लैश होता है। तो दोस्तों अगर आपको देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम से जाके आप चेक कर सकते हो, मैंने अपलोड किया हुआ है कि किस तरह ये फ्लैश होता है। वायर की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल दोस्तों देख सकते हो, और 9 LED नाम ही है तो 9 LED है ही दोस्तों इसमें। और दोस्तों इसके अंदर माउंट भी आता है, तो ये रहा माउंट जो एक बड़ा स्क्रू प्रोवाइड किया गया है और एक माउंट प्रोवाइड किया गया है जो हर इसके साथ में प्रोवाइड किया गया था। और दोस्तों देख सकते हो स्टील का ब्रैकेट और स्टील का बोल्ट प्रोवाइड किया गया है, ये कुछ इस तरीके से फिट होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से फिट होता है, अब देख हो सके तो मैं इसको इसकी इंस्ट्रक्शन में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसका फोकस काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मैंने इसका KTM Duke 390 पे इसे इंस्टॉल किया था, जो काफ़ी अच्छा इसका फोकस है, मैं आपको उसका वीडियो भी डाल दूंगा एंड में देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा फोकस है दोस्तों। तो दोस्तों ये था HJG की तरफ से 9 LED जो काफ़ी अच्छा फोकस आता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसका फोकस टेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम 9 LED का फोकस देखेंगे, इसी के मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखाया था, अभी फोकस देख लेंगे दोस्तों। तो उसके बाद हम चाबी ऑन करेंगे, फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे। तो
ये था इसका फोकस। अब फोकस वाले अकाउंट में जरूर बताएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा फोकस है दोस्तों, और ये दो पे रहते हैं और काफ़ी अच्छी एलईडी दोस्तों, काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों। सामने को देख सकते हो एलईडी काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों। तो दोस्तों ये था HGG 9 LED, काफ़ी बजट सेगमेंट में प्रोवाइड करता है, प्राइस इसकी काफ़ी बजट में प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।